साउथ अफ्रीका में हुए T20 जूनियर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट महिला टीम की कप्तान शेफाली वर्मा आज रोहतक अपने निवास स्थान पहुंची हैं। शेफाली वर्मा का रोहतक पहुंचने पर उनके परिवार और रिश्तेदारों ने जोरदार स्वागत किया। शेफाली वर्मा की कप्तानी में जूनियर महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर देश में पहुंची हैं। भले ही महिला विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन महिला IPL में 2 करोड़ रुपए में उनकी बोली लगी है और शेफाली ने IPL में एक बेहतर प्रदर्शन किया। शेफाली ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार और कोच को दिया है। आइए दिखाते हैं शेफाली ने क्या कहा। जूनियर महिला का वर्ल्ड कप जीता, सबसे पहले उस पर प्रतिक्रिया है। देखो, बहुत खुशी है क्योंकि लड़कियों के लिए सबसे पहला वर्ल्ड कप है और बहुत खुशी है उस दिन। और आप पूरे परिवार को देख रहे हो, इनको भी बहुत खुशी होती सबको, और इनकी दुआओं से और इनके ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। और बहुत खुशी हुई जब हम वर्ल्ड कप जीते, और आप सबको पता है वर्ड्स में नहीं बोल सकती मैं, बट बहुत खुशी हुई। ज्यादा बड़ी नहीं थी, अगर आपके मेंटली के ऊपर, आप ज्यादा कप्तान को अपने मेंटल पे चढ़ाओगे तो उतनी मुश्किल है, और जितना इजी लेके चलोगे उतना आसान है। तो मैंने इजी लेके चला, एक दूसरे बिलीव करा हम सबने एक दूसरे प्लेयर पे, और फिर बस खेलते रहे और जीत गए हम। अच्छा, कई मैचेस में आप जिस तरह से जो आपका ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वर्ल्ड कप में, कई मैचेस में वो देखने को मिला, क्या स्ट्रेस था कप्तानी का? स्ट्रेस तो नहीं था, देखो हर दिन मेरा नहीं हो सकता, हर दिन मैं रन नहीं बना सकती। बस यही था कि मैं सबको एक दूसरे को बैक कर रही थी, मैं सबको कॉन्फिडेंस दे रही थी कि हाँ सबको अच्छा करना है, और अच्छा नहीं हुआ और मैं मेहनत करूंगी उस चीज के लिए और अच्छा करूंगी। आज जिस तरह से आपने अभी खेला है, उसके बाद क्या लगता है कि लड़कियों के लिए क्रिकेट का कितना अच्छा भविष्य? देखो, इस WIPL के लिए सब बहुत सालों से वेट कर रहे थे और अभी ये स्टार्ट हो गया है, और मैं भी IPL से ही उठी थी, और ये डोमेस्टिक प्लेयर के लिए बहुत अच्छा और हमारे लिए बहुत अच्छा, क्योंकि हम फॉरेनर्स के साथ खेला हमने, और उनके वो कैसे अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं मैच से पहले, वो हमने सीखा, और वो छोटी छोटी चीजें सीख के ही हम आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है IPL में जो आपकी बोली हुई थी, क्या और ज्यादा हो सकती है? देखो, जितना मिलता है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, मैं उसमें सेटिस्फाई थी। और जिस तरह से प्लेयर निकल के आए हैं, तो कितना लगता है आपको भारत की टीम वुमेन की कितनी और मजबूत बनेगी, इनमें से कितने खिलाड़ी और निकल सकते हैं? देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि WIPL से हमेशा कोई ना कोई स्टार से निकलते हैं, और वो निकल रहे हैं अभी नहीं तो और अगले साल और अच्छे से निकलेंगे, ताकि हमारी टीम और बेटर हो। तो वही है, वुमेन के लिए BCCI ने काफी प्रावधान किए हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है, वुमेन को आजकल उतना बढ़ावा मिल रहा है, और जैसे कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि हम अच्छा करेंगे तभी बढ़ावा और मिलेगा, तो हम बस यही सोचेंगे कि अच्छा करते रहे और बढ़ावा मिल रहा है, उसके लिए थैंक्स बोलते सबको। सीनियर वर्ल्ड कप में आप लोग चूक गए, कहाँ कमी लगी आपको, थोड़ा बहुत क्या उसको दुरुस्त आगे भविष्य में? देखो, कमियां तो छोटी छोटी होती रहती है, बस वही है, हम और अच्छा करेंगे, अपने आप में और बेटर करेंगे, ताकि हम वर्ल्ड कप जीत सके। अच्छा, आजकल IPL चल रहा है, आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है IPL? मुझे मुंबई अच्छी लगती है। और प्लेयर कौन सा अच्छा लगता? लिविंगस्टोन। कल जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की है, काफी तारीफ हो रही थी उनकी। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेले वो। क्या लगता है? अच्छा खेले, बस वो स्टार है आने वाले। देखो, ये कहना चाहूंगी, अपने आप बिलीव रखो, जिस भी आप जो भी आप काम कर रहे हो, बस सच्चाई से करो और मेहनत से करते रहो, आगे सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, आप घर आए हैं तो अभी आगे क्या तैयारी? देखो, हमारा अभी 2 महीने रेस्ट है, तो अभी मैं प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगी। अच्छा, आपको कोई सहवाग करता है, सचिन तेंदुलकर करता है, आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है, अपने पे कौन सा फील करते हो? देखो, मैं शेफाली वर्मा हूँ, आपको किसी के साथ जोड़ना है जोड़ सकते हो, मैं अपने आपको शेफाली वर्मा मानती हूँ। आपने रोल मॉडल माना था सचिन तेंदुलकर? बिल्कुल, सचिन सर को तो मानना ही था, मैंने उनको देख देख के हम आगे बढ़े हैं आज तक, और आज भी उनकी बैटिंग देखते हैं, आजकल उन जैसे शॉट्स मैंने आज तक किसी प्लेयर के नहीं देखे। एक राजस्थान में एक लड़की का एक वीडियो वायरल हुआ था क्रिकेट खेलते हुए रेत में, सचिन तेंदुलकर ने भी उनको अपने ट्विटर हैंडल पे लिया, तो ऐसी प्रतिभाएं कैसे निकल सकती? देखो, बहुत अच्छी बात है, अगर वही है, आप अगर मेहनत करते रहोगे, मैं तो यही बोलूंगी, मेहनत करते रहो और सफलता अपने आप मिलेगी। और जो भी लड़की है अभी, देखो स्टार्स उठ उठ के, जैसे कि मैंने आपको बोला, बस मैं उनको यही बोलूंगी कि अपने आप पे बिलीव रखो और बस आगे बढ़ते रहो। अच्छा शेफाली, जिस तरह से आमतौर पर देखा गया टीम में मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं, चाहे बॉयज है चाहे गर्ल्स है, बहुत ही निम्न परिवार के लोग आ रहे हैं आगे, और आपने देखा कि आपकी वर्ल्ड कप की टीम में भी अपने रोहतक की एक लड़की थी, बहुत ही निम्न दर्जे से और बहुत गरीब परिवार से। देखो, जो भी नीचे उससे आते हैं, मैं भी एक नीचे उससे आई हूँ, और मुझे पता है कितनी सफलता मिलती है उससे, क्योंकि हम उतनी सच्चाई से काम करते हैं जितने हम नीचे परिवार से आते हैं, क्योंकि एक रिच फैमिली से आना, आपको पता है कि भाई हमारे पास पैसे हैं, अगर हम यहाँ नहीं खेल पाएंगे तो कुछ और कर लेंगे, बट
जब ये छोटी फैमिली से आते हैं हम एक पे फोकस रखते हैं जो हमें करना है और वो ही मैंने किया है। अच्छा, आप इन्हीं गलियों से खेल के आप स्टार्टिंग की थी, आज इन्हीं गलियों में दोबारा आए हैं, तो नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? देखो, सबको बहुत अच्छा लगा देख के, और मैं यही कहना चाहूंगी जिस भी आप मुकाम पे पहुंचना चाह रहे हैं, बस अपने आप पे बिलीव रखें और बस खुश रहे, अपने आप से खुश रहे और बस मेहनत करते रहे, मैं यही बोलूंगी। टोटली आईपीएल जिस तरह से हो रहे हैं, क्या लगता है जो नए प्लेयर हैं उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य रहेगा, क्या और प्लेयर आगे निकलने में आईपीएल मदद करता है? बिल्कुल, आईपीएल मदद करता है, जैसे कि मुझे भी आईपीएल ने मदद किया, मैं भी वहीं से उठी थी, तो मैंने जैसे कि बोला वहीं से स्टार उठ उठ के आता है, तो आईपीएल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है उनके लिए। और प्लेयर को मतलब इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलती है, जिस तरह से बोली लगती है, प्लेयर जिस तरह से वंचित रह जाते हैं, उसको अपना भविष्य संवारने में काफी मदद मिलती है। बिल्कुल, देखो जैसे कि मुझे भी मिला, मैं अपने आप में और सुधार लाऊंगी, वो चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे अपने घर बनाना, कुछ भी हो, तो वो उस चीजों में हेल्प करते हैं और वो ही हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। और मेरा नाम संजीव है, मैं शिफाली वर्मा का फादर हूँ। जी संजीव जी, जिस तरह से शिफाली ने प्रदर्शन किया और आज रोहतक पहुंची है, तो क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वो 3 महीने बाद रोहतक आई है और पूरे देश का नाम रोशन करके आई है, जो पहला विश्व कप लेके आई है अंडर 19 का, तो बहुत बहुत मुबारक पूरे देश को, पूरे हरियाणा को और पूरे परिवार को। भारतीय टीम में खेल रही थी, कहीं कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, उस टाइम थोड़ा कुछ लग रहा था आपको कि भाई जो प्रदर्शन है कोई बेहतर हो? ये तो देखो होता है, हर प्लेयर के साथ होता है, कभी अप कभी डाउन, तो ये चलता है। देखो तो उसने काफ़ी अच्छी पारी खेली है, उसको लेकर काफ़ी अच्छे रन भी बनाए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, मैंने तो यही था, हमने यही बताया कि भाई गेम खेलना है तो टीम के लिए ही खेलना है, देश के लिए ही खेलना है, वो चाहे कम बने चाहे ज़्यादा बने, तो अपना गेम बना के चलना है बस। आम परिवार से जब निकली है तो कहीं ना कहीं और लड़कियां भी जो निकलती हैं जो सफल नहीं होती, हाँ, तो उनके लिए बहुत ये समझ लो एक प्रेरणादायक हो जाता है, जो इस तरह का होता है तो वो अच्छा होता है सारा। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी के लिए, जिस तरह से बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही अपना लगे रहो और टीम के लिए ज्यादा मैच जिताओ, देश के लिए ज्यादा मैच जिताओ, बस यही बोल। हमें बहुत गर्व है, नाम बता के कैसी खुशी है आपको, और आज जो है रोहतक है 3 महीने के बाद जो बेटी पूछी आपको, क्या कहना? मेरा नाम परवीन है, मैं शिफाली की मम्मी, मेरी बेटी 3 दिनों के बाद आई, हम सभी खुश है उसको देख के। अभी देश का नाम रोशन किया है आपकी बेटी ने, इंडिया की टीम में भी खेली और वर्ल्ड कप जो जिस तरह अंडर 19 का दिलाया, तो कैसी खुशी है? बहुत खुशी है। बेटियों को क्या कहना चाहेंगी और भी जिस तरह से खाली है? मैं यही कहूँगी देश की बेटियों को ऑल द बेस्ट। अच्छा, खाने की अगर बात करें तो क्या पसंद से? सारी चीज़ें पसंद है, सारी चीज़ें पसंद है। अच्छा, अभी यहाँ पर आई है तो किस तरह के इसका व्यवहार की अगर बात करें तो, क्योंकि लड़कों के साथ भी अकेली है अब जो है? नहीं, व्यवहार तो जैसा है वैसा ही है उसका। तो अभी लड़कों के साथ भी बेटी खेली है लड़का बन करके, तो वो समय था और आज वर्ल्ड कप की लेकर के आई है अंडर 19 का, तो अब कितना बदलाव आप देखते हैं? नहीं, बदलाव नहीं है उसके अंदर, जैसी है वैसी है। अभी तो वो आई है, आने के बाद देखते हैं क्या कब माता बुलाती है। आगे किस तरह से खेलेगी अभी? अच्छा खेलेगी, हम सभी का आशीर्वाद है, अच्छा ही खेलेगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।